ये जाएगा कुट्टी, घास, घास का कुट्टी, अब इसको पोरा का कुट्टी बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं नया वीडियो के साथ। तो आज का वीडियो कुछ अलग होने वाला है फ्रेंड्स, पागलों वाली हरकते वाली वीडियो होने वाला है। तो करने वाला है क्या फ्रेंड्स, मेरे पास है बर्गर। बर्गर तो आदमी खाता है, लेकिन फ्रेंड्स आपने देखा है भैंस को या गाय को खिलाने वाले फ्रेंड्स, तो बहुत मजा आने वाला है वीडियो में। तो वीडियो में बने रहिए, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स बर्गर में तो यूज होता है हम लोग के लिए चीज मोइनीज वगैरह, लेकिन फ्रेंड्स उसके अंदाज में हम खिलाने वाले हैं। तो कैमरा महाराज इधर लाइए कैमरा और दिखाते हैं क्या क्या यूज होता है। हमने आलू टिक्की लिए हैं और ये घास लिए हैं सलाद के जगह, और ये मोइनीज के जगह लिया है मैंने चोकर, और ये हो गया क्या मान सकते कुछ भी मान लो इसको, और गुट्टी है। प्लस में ये सॉस, सॉस भी डाल देंगे उस। मेरे पास चाकू नहीं है, चिलोही का यूज कर रहे हैं, उसके अंदाज में चिलोही बेहतरीन है। चाकू भी था लेकिन नहीं इसको लिए। ये कट गया, अब इसके बाद डालेंगे सॉस। ये गया सॉस, अब ये जाएगा आलू टिक्की, ये जाएगा कुट्टी, घास, घास का कुट्टी, अब ये जाएगा मोइनीज, अब इसको पोरा का कुट्टी बोल सकते हैं। अब इसको बंद कर लेते हैं। तो मेरा बर्गर रेडी हो चुका है फ्रेंड्स। तो अब बारी है कल्लू भैंस को खिलाने का, और खिलाने के बाद उससे रिव्यू पूछेंगे टेस्ट कैसा लगा फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स अब खिलाते हैं। A few moments later. तो फ्रेंड्स ये रहा मेरे पास कल्लू भैंस, और इसको खिलाते हैं। क्या खाओगे जी, देख रहे हो क्या है, खाओ कभी। अरे यार ये तो दूर भाग रहा है। नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स पिज्जा पे रहेगा, अगर आप लोग सहमत है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, वो भी दूसरा जानवर रहेगा। तो फ्रेंड्स आपने देखा काली भैंस पूरा खा गया, उसे पूछ भी नहीं सकते रिव्यू क्या है क्या ऐसा लगा, लेकिन फ्रेंड्स उसको तो बहुत अच्छा ही लगा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स बनाने वाला है पिज्जा पर, और पिज्जा जानवर को ही खिलाएंगे, अलग जानवर रहेगा। तो फ्रेंड्स आप लोग का सहमत है तो प्लीज कमेंट करके बताएं कि हाँ पिज्जा पे वीडियो लाए कि नहीं लाए। तो वीडियो यहीं तक फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।